माय चैनल शिवम जब ब्लॉग। गाइज आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज देख सकते हैं अभी हम हैं गणेश महोत्सव में, जो कि गुलाब बाग में बहुत ही दिन से चले आ रहा है। ये महोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और ये 1999 से ही महोत्सव हो रहा है। और हमारे पीछे जो पंडाल देख रहे हैं, ये जो इस बार जो 2022 में गणेश महोत्सव का जो पंडाल बना है, पूरा राम मंदिर की तरह बना है। तो देख सकते हैं हमारे पीछे पंडाल। और अभी अंदर चलेंगे गाइज और यहाँ का सारा कुछ नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ का सारा खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए कंटिन्यू और देख सकते हैं कुछ इस तरह मेला का नज़ारा है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। दोस्तों आप सबों को बता दें, ये जो मेला है गणेश महोत्सव, ये 10 दिन तक चलेगा। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव है। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे भक्तजन आए हैं और ये जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है इस बार गणेश महोत्सव में। और श्री श्री 108 महागणपति चतुर्थी महोत्सव 2022 गुलाब बाग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। देख सकते हैं गाइस काफ़ी ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी ही अच्छा व्यू है। और अंदर में जो गणेश जी का प्रतिमा है बहुत ही अच्छा है। आप लोग फोटो भी दिखाएंगे अंदर चल के, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों चलिए आप लोगों को एक अंकल से मिलाते हैं और अंकल से बात करेंगे इस मेले के बारे में। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, इस मेले के बारे में जानेंगे। ये जो मेला है इनके बारे में जानेंगे। तो अंकल से मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अंकल लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे ये मेले के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे साथ अंकल जुड़ गए हैं। और अंकल इस मेला के बारे में सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार सरनी है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और ये पूजा 1999 में हम लोगों ने शुरू किया था और 1999 से लगभग आज ये जो है 2022 हो गया। तो इस बार जो नया लुक दिया गया राम मंदिर करके जैसा, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये अभी माहौल राम मंदिर का चल रहा है, लोगों के दिल में सरदार राम को मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इस कारण हम लोगों ने ये लुक चुना। और कुछ बोलिए मेला के बारे में। मेला इस बार 24वां वर्ष हो गया है, अगले वर्ष हम लोग रजत जयंती मनाएंगे। और रजत जयंती जो मनाएंगे इससे काफ़ी भव्य और विधायक रूप होगा। इसमें पूरे गुलाब बाग की पार्टिसिपेशन रहेगी और पूरे गुलाब बाग सज के तैयार। इस बार 10 दिवसीय है मेला, बिल्कुल हर साल 10 दिवसीय होता है। 10 दिवसीय मेला होता है, हर साल 10 दिवसीय होता है। उसमें रजत जयंती जो हम लोग मनाएंगे वो 15 दिवसीय होगा मेला। अभी ये और 9 दिन तक चलेगा मेला। प्रोग्राम भी रखा गया है क्या? प्रत्येक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो समाज के लोगों को अपने घर के कोई यहाँ जहाँ नहीं है। और प्रत्येक संध्या को सांस्कृतिक और CCTV कैमरा भी लगाया गया है पूरे मेला परिसर में और सड़क के दोनों साइड। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक आदेश मिला है और हम लोग चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा लगा। धन्यवाद अंकल आपका। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भक्तजन आए हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है।
लोगों को हम वीडियो दिखाने के लिए हम राम झूला पे जा रहे हैं, पहली बार लाइव में जा रहे हैं राम झूला पे, और 50 रुपये ये टिकट कटकर है, और यहाँ से टिकट ले लिए हम लोग 3 आदमी है, तो 50 रुपये टिकट है गाइस। पहली बार चढ़ रहे, पता नहीं क्या होगा ऊपर में जाके, आप लोगों को पूरा ऊपर से कवर करके दिखाएंगे किस तरह लगता है राम मंदिर, आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर राम झूला पे, अभी लोगों को वहाँ से वीडियो दिखाएंगे, कंटिन्यू वीडियो पे ब्लॉग से बने रहिए। दोस्तों बहुत डर लग रहा है, पहली बार और देख सकते हैं हमारे साथ पंकज है और रोहित है, रोहित भी इधर से क्या कि आकर देख सकते हैं, काफी एक्साइटेड है गाइस। हिंदू तो हिंदू हमारे गाय ऊपर जा रहे हैं अभी। हलवा टाइट हो गया गाइस, गाइस बहुत ए और थोड़ा आप ले लो भाई जी, आप कभी ट्राई नहीं करेंगे गाइस, आप कभी ट्राई नहीं करेंगे राम झूला पे। राहत मिला है गाइस, गाइस हम लोग उतर गए झूला पर से, और कभी ऐसा ट्राई नहीं करेंगे झूला का, झूला के मजा मज़ा तो आया लेकिन फट भी गया मेरा। बस आप लोग के लिए हम झूला पे चले थे गाइस।
हम लोग मेला आए तो मेला में तो कुछ लेना चाहिए। सब कितना पड़ता है देख सकते हैं यहाँ पे, खूब बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे खूब देख सकते हैं मूर्ति का है प्रतिमा। तो हम लोग एक ही ये लिए, एक सरस्वती माँ का प्रतिमा लिए देख सकते हैं, मात्र 50 रुपये में आपको मिलेगा। उसके बाद एक ये लिए कृष्ण राधे कृष्ण का, एक ये हम ये लिए और मैं भैया जो है सरस्वती जी का लिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा है, पक्षी सब का, पक्षी सब का भी देख सकते हैं गाइस। गाइस आप सब को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत करके हम झूला पे चढ़े और झूला पे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था पूछिए ही मत, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे चढ़ने के लिए, लेकिन बाद में जब चढ़े ना तब पता चला जो आज के बाद तो नहीं, आज के बाद कभी नहीं चढ़ेंगे झूला पे। सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।